वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है पंजाब स्टेट ऑफ पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से, जो PSPCL की भर्तियाँ होनी है। इसमें हमारी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट फॉर दी वेरियस पोस्ट अगेंस्ट CRA 293/19 और 294/19 में जो निकल के आई है। इसमें बात की जाए किस किस से निकल के आई है, तो यहाँ पे बात करेंगे हमारा, यहाँ पे देखिए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो भी पंजाब में वैकेंसी निकाली है उसमें सबसे पहली निकल के आती है LDC की, जो कि लोअर डिवीजन कलर्क की है, 1000 वैकेंसी। उसके बाद बात की जाए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पर 500 पोस्टों निकल के आई है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। मैं आपको पहले बता दूँ, अभी जो पीछे जूनियर इंजीनियर की भर्तियाँ हुई थी पंजाब स्टेट में, उस टाइम दो वैकेंसियां एक साथ निकली थी। एक तो JEE की वैकेंसी थी, उसके साथ में दूसरी निकली थी सब स्टेशन असिस्टेंट, जो कि SSC की थी। सब स्टेशन असिस्टेंट की सारी भर्तियां वहां पे कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जैसे जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम था, आप मान सकते हो गेट के लेवल का एग्ज़ाम था, तो उसमें जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए इस एग्ज़ाम को, तो यहाँ पर भर्तियाँ पेंडिंग में रह गई थी। उन भर्तियों को अभी जो पंजाब स्टेट ने फिर से भरने का अपना इंतजाम कर लिया है। तो इसमें देखिए सिविल की भी 110 पोस्टें निकली हुई है, और इसमें आप अलग अलग कैटेगरी की जो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जूनियर इंजीनियर की आपको बेसिकली बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इसमें जो भी इलेक्ट्रीशियन ग्रेड सेकंड की भी है उसमें भी कुछ पोस्टें हैं, और अकाउंट ऑफिसर की भी है और स्टेनोटाइपिस्ट की भी है, कुछ कुछ वैकेंसियाँ हैं। इसकी फॉर्म अप्लाई करने की डेट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो आपको 20 अगस्त 2019 से स्टार्ट हो जाएंगे, और फॉर्म क्लोजिंग टाइम होगा लास्ट आपका 9/9/2019 को आप लास्ट अप्लाई कर पाएंगे। अभी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी लिंक नहीं आया है, मतलब एडवर्टाइजमेंट का इसका कोई भी आपको लिंक नहीं मिलेगा डाउनलोड करने का। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये मैं आपको दो अलग अलग न्यूज़पेपर से ली हुई कटिंग है। उसके अलावा मेरा एक दोस्त है जो पंजाब में अभी PSPCL में ही कार्यरत है, तो मैं उससे ये इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, उसी ने मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये वैकेंसीज निकल गई है। तो मैं आपको दोनों कटिंग दिखा दूँगा, एक तो कटिंग जिसमें से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, आप वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो PSPCL में, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हो www.pspcl.in। वहाँ पे आपको जाने के बाद जब भी 2-4 दिनों में वहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, मैं आपको सीधा रिक्रूटमेंट सेक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया वगैरह, पे स्किल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे फॉर्म की जो फीस रहती है मोस्टली आई थिंक 1000 या 1500 रुपीज़ रहती है, मेरे को पक्के से याद नहीं है, लेकिन वो 1000 या 1500 रुपये के नियर बाई रहती है। क्या थी वो आप देख सकते हैं, ये किसके द्वारा, चीफ इंजीनियर के द्वारा, देखिए PSPCL पटियाला से ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। आपको मैं इसका दूसरा वो प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखिए जो पंजाबी में कटिंग है पंजाब के न्यूज़पेपर से ली गई है, उसमें भी देखिए PSPCL की जो है पंजाब स्टेट ऑफ पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ से निकाली गई है। उसके बाद में देखिए उसमें सारी की सारी वैकेंसी है, देखिए यहाँ पे दी हुई है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 500 वैकेंसीज है, सारी यहाँ पे दी गई है जिस तरह आपको मैंने अभी अभी एडवर्टाइजमेंट दिखाया। देखिए फॉर्म अप्लाई करने की मिति, मतलब डेट यहाँ पे दी गई है 20/8/2019 से लेकर लास्ट डेट 9/9/2019 तक है। तो जी हाँ, ये जल्दी भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है पिछली भर्तियों में काफ़ी टाइम से उनको रिक्वायरमेंट थी जूनियर इंजीनियर की, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई, इसीलिए भर्तियाँ जल्दी से पूरी हो जाएगी। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे बहुत जल्दी उनकी ज्वाइनिंग करवा दी गई, तो दोस्तों इसके लिए तैयार रहिए। दूसरी नोटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों की क्वेरीज आती है कि सर मैं आउट ऑफ पंजाब स्टेट से हूँ, मैं क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ। जी हाँ, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं दो आपको टर्म एंड कंडीशन बताता हूँ। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो आप इसको भर सकते हो, चाहे आप UP से हो, आप बिहार से हो, या फिर आप हरियाणा से हो, या पंजाब से हो, आप भर सकते हो। इसके लिए मस्ट कंडीशन रहती है आपका 10th होता है जो मैट्रिकुलेशन में, आपके पास पंजाबी होना ज़रूरी है। जी हाँ, आपके पास पंजाबी नॉलेज होना ज़रूरी है, आपके पास मैट्रिकुलेशन में पंजाबी होना बहुत कंपलसरी है। अगर आपके पास पंजाबी है तभी आप पंजाब में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर मेरे पास 10th में तो पंजाबी नहीं था, बट मैंने अभी कुछ साल पहले या इस साल ही एडिशनल से पंजाबी का एग्ज़ाम दिया था और पंजाबी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, मेरे पास उसका DMC आ गया था, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जी हाँ, अगर आपने एडिशनल से पंजाबी का एग्ज़ाम दिया है और आपने वो क्वालिफाई कर लिया है तो आप पंजाब में फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए आपको डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन थी, जैसे ही फॉर्म निकलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में एक्टिव लिंक उनका मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड जॉब नोटिफिकेशन भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ आपको अलग अलग जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड टॉपिक्स पर भी वीडियो मिल सकती है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक बार चैनल को विजिट करके देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।